हरे कृष्णा, हरि बोल हरे हरे कृष्णा। हम लोग श्री रूप गोस्वामी की तिरभाव महामहोत्सव को हर्ष मोहित, तुम बोलो। इसलिए हम लोग रूप गोस्वामी की तिरभाव महामहोत्सव को उपलक्ष करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कोशिश करेंगे जैसे रूप गोस्वामी की कथा दिन रात उनकी कथा में जैसे हम लोग डूब जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारे बहुत भक्त लोग हैं, सबसे मैं थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करूँगा थोड़ी थोड़ी कथा सुनाने के लिए। हमारे श्री ऑस्ट्रेलिया से श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, हाँ वो कहते हैं मेरे को शाम को मत बुलाया करो, मैं सवेर थोड़ी सी बोल दूँगा। इधर इधर जाओ, वो माइक उधर है, बैठो बैठो। हाँ देखो, कहते साधारण लोगों का जो भावना है, कहते साधारण लोगों का ये भावना है कि ये भक्ति करने के लिए कौन आते हैं। कहते भक्ति करने के लिए वही आते हैं जो संसार में जिसको पैसा कमाना ठीक से नहीं आता है, घर में कोई काम धंधा है ही नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वो घर बार छोड़ छाड़ करके मंदिर में आ जाते हैं, बस बैठ करके हरिनाम करते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी खाते हैं। कुछ लोगों का ऐसे धारणा है, लेकिन हमारे श्री बिल्लो मंगल जी कहते हैं बोले ऐसे नहीं। इसलिए बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। यहाँ कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं अर्जुन ये हरिनाम को कौन कर सकता है, बोले हरिनाम को वही कर सकते हैं बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की एक निष्ठा पूर्वक सेवा किया है वही व्यक्ति ही किसी जीवन में ये हरे कृष्ण जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते वही व्यक्ति ये हरि नाम कर सकते हैं। इसलिए बिल्लो मंगल जी कहते हैं साध्वि माधिक चिंता न भवती सर करे कर्क सासी। अगर किसको राधा कृष्ण का प्रेम एक बूंद अगर किसकी आस्वादन का विषय हो जाए, बिल्लो मंगल कहते हैं विश्व ब्रह्मांड का जो संपत्ति उसको सामने फीकी पड़ जाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी घर में इंद्र के बराबर, जिनकी घर में ऐश्वर्य, जिनकी वार्षिक आय 10,000 स्वर्ण मुद्रा जिनकी कमाई। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर नवाब की थे, हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं लेकिन उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया। कितना पैसा रिश्वत दिया? 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने रिश्वत दिया, नौकरी छूट जाए और वृंदावन में आकर के भगवान की भक्ति करे है। श्री रूप गोस्वामी ये कौन थे? फाइनेंस ये थे या मिनिस्टर थे? पैसा, सारे पैसा जिनको पास में रहता था, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आए, सारी संपत्ति को उन्होंने लुटा दिया, सारे संपत्ति को लुटा करके उन्होंने हैं वृंदावन में आए भजन करने के लिए। इसलिए कहते साध्वी माधिक चिंता न भवती सरकरी कर्कशासी। सरकरा आपको पता है जो मीठा, बोले हे सरकरे तुम तो कर्कस हो गया, तुम तो कड़ुआ हो गए हैं। कहते द्राक्षा द्राक्षसी, एक अंगूर का के रस में द्राक्षा रस बनता, बड़ा टेस्ट है। बोले हे अंगूर के रस तो द्राक्षा, तेरे तरफ में कोई और देखेगा नहीं। बोले अमृतम मृतम असी, स्वर्ग में अमृत पीने के लिए सब जाते हैं, बोले अमृत तू मर जा है, धरा धरा मृतम। कहते इसी से संसार में कौन सा सुख सबसे श्रेष्ठ सुख मानते हैं? कहते ये स्त्रियों का अधरा मृत को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं है। कहते तू मृतम असी, तू मर जा, तेरे तरफ में कोई और नहीं देखेगा।
बोले कारण क्या है, बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है वो इनके आस्वादन का विषय हो गया है। तभी तो इन लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जितने हमारी गोस्वामी वर्ग हुए हैं, जीव गोस्वामी कितने बड़े घर की, उनके बराबर विद्वान कोई नहीं थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुने हो, कौन कौन नरोत्तम दास ठाकुर का नाम जानते हो, हाथ उठाओ। तो ये किसके घर के थे, वो राजा के बेटा थे, राजा की एक बेटा थे नरोत्तम दास ठाकुर हैं, ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास अरब खरबपति घर के थे सबके सब। लेकिन जब इनको राधा कृष्ण का प्रेम की रस आस्वादन हुआ मिला, सबको जो छोड़ छाड़ करके भजन किए, इसलिए उसी कड़ी में श्री रूप गोस्वामी का त्रिभाव महामहोत्सव है। यहाँ पर हमारे भक्त लोग हैं सबके सब, उनकी चरण में थोड़ी थोड़ी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। और हमारे जो भक्त लोग, मंदिर के जो ब्रह्मचारी लोग, घर में सोते नहीं रहेंगे, हरे कृष्णा हरि बोल मेरे आवाज जहाँ तक पहुँच रही है। अगर कोई ब्रह्मचारी लोग अगर घर में हो सबके सब, कृपया बाहर निकल कर के आ जाओ, नहीं तो मैं अभी जाता हूँ घर घर में देखता हूँ घर में कौन बैठा हुआ है। सबके सब अपनी आप आ जाओ, सब कही कहाँ ब्रह्मचारी लोग दिख नहीं रहे हैं, सबके सब आ जाओ बाहर निकल करके। अभी हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जानते हो, ये ऑस्ट्रेलिया से ब्रिजबेन, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गुरुदेव का अभी जो सेंटर उपलक्ष्य में जितने वो जो कथा सब भेजने वाले और उसको रिकॉर्डिंग को निकालने वाले सब काम कर रहे हैं, इनका भी करके 3.5 लाख इनकी नौकरी थी, लेकिन वो सब छोड़ करके अभी वृंदावन में बैठ कर गुरु जी की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं लेकिन अभी गुरु जी की बड़ी सेवा करते हैं प्रभु जी, दिन रात गुरु जी रहते समय उन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा की, अभी गुरु जी चले जाने के बाद भी ये गुरु जी की ये बड़ी सेवा कर रहे हैं। श्री हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी ये श्री रूप गोस्वामी के चरण में कुछ श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करें। इंग्लिश में बोल देता ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरमीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू ऑफर अनलिमिटेड ओबेसेंस लोटस फीट ऑफ गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिक्षक गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, टू अरूपानुगा गुरु वर्ग, टू ऑल वैष्णवस एंड वैष्णवी हेरेड बाय पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद माधव महाराज, परमेश्वरी प्रभु। So we are very fortunate under the guidance of Gurudev and Vaishnavas that we are celebrating this Rupa Goswami Tirubhav Mahotsav. Like Maharaj used to say, ki very rarely that we see, it was only by Gurudev's mercy that so many devotees, not only here but all over the world, Gurudev's disciples are very enthusiastically following this Rupa Goswami Sthiti. Like Maharaji said, I was also fortunate to go to different mutts when we were Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. But with the enthusiasm that Gurudev and his devotees celebrate Sri Rupa Goswami Sthiti, we cannot see anywhere. So, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, one of his final instructions, when we read his final instructions, it says that what is our goal? To be the footers of Srila Rupa Goswami, Adana Srinam Danti Ridam Yati Puna Puna, that we want to be the footers of Srila Rupa Goswami, and all of you should preach the message of Rupa Raghunath. So we see this in our Gurudev Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, that every town and city that he visited, definitely two slokes he would used to recite, Anya Bilasita Sunyam and Anarpita Charim Kirat. Everywhere he used to, this was his mission, if everyone should know what is pure bhakti as defined by Rupa Goswami, and what did Mahaprabhu come to give as defined by Rupa Goswami. So Srila Gurudev used to teach this everywhere. And our Rupa Goswami, his granthas are the basis for all bhakti tattva. He has written everything basic from Vacho Vegam to Radha Dasyam. And Srila Gurudev says that before Rupa Goswami, no one knew, everyone used to speak only about bhakti. Srila Rupa Goswami introduced bhakti ras, what is bhakti ras, and then he made it scientifically. He did not say that bhakti is some sentiment,
अदाव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचिया शक्ति भाव प्रेम ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रेम ही इज डिफाइंड एवरीथिंग. महाराज जी वाज सेइंग यस्टरडे अबाउट हाउ इन भक्ति रसामृत सिंधु ही इज डिफाइंड ऑल द डिफरेंट मूड्स दास्य सख्य वत्सल्य एंड मधु एंड उज्ज्वल एंड नीलमणि एंड द हाईएस्ट स्टेजेस ऑफ माधुर्य रस. एंड गुरुदेव सेड when he is writing the different moods of Radharani, at that time he couldn't find any examples, so then he himself wrote Vidag Madhav and Lalit Madhav, and from them he took the examples. This is the mood of this, this is the definition, this is the mood. And Srila Gurudev said, we are speaking, no, Parameshwari Prabhu yesterday was talking about Raghunuga Bhakti, Raghatmikta Bhakti and all this. So Gurudev was saying in one of his classes that even if you follow Ujjwal Nilamani, you are not Rupanuga. But until you follow Stavamala, what Rupa Goswami has written in Stavamala, then only you can become Rupanuga. So that's why Srila Rupa Goswami, by his causeless mercy, showing as a sadhak ki how we should pray for the ultimate goal, how we can attain the service of Srimati Radharani. So Rupa Goswami, very compassionately, that Srila Gurudev was saying, even though in Chaitanya Charitamrita it says that Mahaprabhu gave him this mood, Sanchari Bhav, that Mahaprabhu manifested this mood, but Gurudev said this mood is already present in Srila Rupa Goswami, this is Rupa Manjari, so he knows all these moods. Parameshwari Prabhu yesterday was saying, what was the mercy of Mahaprabhu? He came, he gave us Rupa Goswami. But Srila Gurudev in his Katha is saying, what is the special mercy that Mahaprabhu gave? That because if we see in Srimad Bhagavatam, there is no description of no name of Radharani. So Gurudev said, because if Sukhdev Goswami recites, mentions the name of Radharani, automatically he will be unconscious for 6 months. So that's why Mahaprabhu gave the special mercy to Rupa Goswami, that if he writes all these things about Radharani, he will not fall unconscious. So this is why we are very fortunate about that we are able to get access to the books of Sri Rupa Goswami. And the two sides, one of his, Srila Gurudev said that every aspect of his life are instructions for us. It's not only his books, but the way he led his life. Everything is instruction. So we, like Maharaji was saying now, in Bhagavatam we hear that one who is coming from a very wealthy family, very educated, very high class family and very beautiful, they cannot do bhakti. But we see all these qualities present in Srila Rupa Goswami, how intelligent he was. Gurudev used to tell us the story of how Hussain Bhasha got them in his service. They were so intelligent, they could work out what Hussain Bhasha wanted before even him asking about it. And they were so wealthy, Maharaj was saying, they were. Sanatan Goswami was the Prime Minister and Rupa Goswami was the Private Secretary, and they were so, that time they were so wealthy and so intelligent, still how did they approach Mahaprabhu with so much humility, with a straw on their teeth and praying Jai Jai Shri Krishna Chaitanya Devame Patita Pavan Jai Shri Mahashay. Oh Mahaprabhu, Nija Jati Nija Sangi Kare Nija Kaj. That we are so fallen, that we have come in a small, very fallen birth, that we are associated with meat eaters, we are engaged now in royal politics only, that we are so fallen. And they were saying so many, that we are, even though your name is Patita Pavan, but we are so fallen that we are not even qualified to be known as Patit. We are so fallen, we are committing so many offenses, we are doing so many things, and we are depressed that we are not able to get your mercy. So in this way they approach Mahaprabhu. And Mahaprabhu, hearing this, he said, oh, please stop. Hearing this is breaking my heart. You are my eternal servants. And we see this natural humility in Sri Rupa Goswami throughout his life. When they met again with Mahaprabhu in Prayag, at that time when Balbhacharya wanted to meet him, automatically Rupa Goswami saying, oh, don't touch us, don't touch us. We are so fallen. In Puri we hear how they used to stay with Haridas Thakur because they were thinking that we are not qualified to associate with Vaishnavas, we will not walk in the same path as the Panda.
we will not enter the temple of Jagannath Dev. And in Vrindavan also we hear that how humble they were. When Balbhacharya came, he said, I want to look at your work, I want to correct your work. Then very humbly, Rupa Goswami gave it to him. Similarly, Sanatana Goswami, we hear that he didn't like the description of one of that what Rupa Goswami wrote about the hair of Radharani. Then Rupa Goswami said, please, Prabhu, please, you can correct it. And yesterday Ramchandra Prabhu was talking about that Vaishnav who came, who was crippled. And Rupa Goswami went when he found out that he had somehow, even though Gurudev is saying that he has not committed any offense, but still to show us that how dangerous Vaishnav Aparad is, still he so humbly he went and begged for forgiveness from that Vaishnav. So showing us that actually then Mahaprabhu himself is saying, your humility is such that it will melt even stone. And because of this humility, of this natural humility, you are getting the mercy of Krishna. And Mahaprabhu himself, he told to Sarup Damodar that seeing their qualities, I automatically want to bless them, they can fulfill my mission. So we see how Rupa Goswami, so simply they stayed. We know the story of how so simply they stayed tree under each tree, doing bhajan and trying to fulfill the orders of Mahaprabhu. Mahaprabhu had ordered them. He manifests this Bhakti Granth to manifest the lost places of Vrindavan, to manifest the lost deities and Bhakti Sadachar. So in this way they engage their whole life in the service of Mahaprabhu. And we can see the teaching there is for us that even though the Rupa Goswami did not associate so much with Mahaprabhu, or Raghunath Das Goswami spent more time with Mahaprabhu, still Rupa Goswami is known as Chaitanya Manobhistam, that he is the one who established the teachings of Mahaprabhu. So even though it's a teaching for us that physical association is not so important as much as following the teachings and the instructions. So therefore in this way, I would just like to offer my Pushpanjali at lotus feet of Rupa Goswami. But because actually we don't know who Rupa Goswami, whatever we have know about Rupa Goswami is coming actually from Gurudev. We don't know anything about Rupa. Whatever we have heard, we are only repeating what Gurudev has said. That's why they say, Yan Kali Rupa Shari, we sing Yan Kali Narayana Shari Nana Dhata. If not, our Gurudev Chila Bhakti Vedanta Narayana Goswami had not come. We actually all these things, how clearly he spoke about the teachings and instructions of Bhakti. All of us were thinking we are doing Bhakti, but Gurudev said no. He used Kriti Sadhyat Bhava Sadhya, that unless you follow, unless your goal is to attain Bhav, you are not doing Bhakti. So this way Gurudev so much emphasized on the teachings of Guru Goswami, so offering our Pushpanjali lotus feet of Guru Pad Padma, he somehow can engage me in his service and somehow I can follow his instructions. Manchakalpataru Bhaischa, Vipassan Devacha, Patirampavya Devacha. ओ माइक हो सकते हैं ना, हाँ खड़े हो जाए। हाँ देखो जो प्रभु जी है ना, हर्ष और एक मोहित, ये जो दो आप लोग जो रोज यहाँ मीठा मीठा पानी पी रहे हो, ये और पूरा परिक्रमा में जब ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, ये सारे पानी पिलाने वाले यही लोग हैं। यही लोग ही अपना हाथों से पैसा दे करके सारे भक्तों को जो मीठा पानी का व्यवस्था ये लोग करते हैं। इसलिए पानी का एक नाम है जीवन, इसलिए ये लोग सबको जीवन देने वाले। और ये दोनों बंधु है यहाँ पर है, लेकिन ये दो भी सप्त इंजीनियर थे, लेकिन अभी वृंदावन में रह करके ये दोनों दोस्त अभी खूब भजन करते हैं और हर तरह से तन मन धन, और इतना नहीं पूरा इनका जितने परिचित लोग है ये सबको उन्होंने भगवान के भजन में लगा दिया। खड़े हो गए नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर नित्य लीला भविष्ठ हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के
चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी वैष्णवगणों के चरणों में दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव और वैष्णवों के चरण कमलों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ है, श्रील रूप गोस्वामी जी का इतना बड़ा उत्सव है, उसके लिए हम लोगों का बोलना तो बिल्कुल तुच्छ है, लेकिन महाराज जी की आज्ञा है तो उसको पालन करते हुए जो भी कुछ प्रयास करता हूँ बोलने का। रूप गोस्वामी जी की कथा हम दो तीन दिन से सुन रहे हैं, कृष्णदास प्रभु जी ने तो दो तीन दिन पहले से ही हमें कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया था रूप गोस्वामी जी के विषय में, तो उसमें बड़ा ही सुंदर प्रभु जी ने उपदेशामृत के बारे में बताया। उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ ही कुछ श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं, तो उसमें शुरू में जैसे रूप गोस्वामी पाद ने जो बताई चीज़ें कि अत्याहार प्रयास कि अधिक आहार प्रयास कर भक्ति में अत्यधिक चेष्टा जो है और उन सब नियमाग्रह प्रजल तो उसके बारे में बताया, और क्या क्या चीज़ बताई, अति काम और क्रोध लोग की काम का वेग है, क्रोध का वेग है उसको भी शांत, जो जो व्यक्ति इन वेगों को जीत सकता है वही जो है सारी पृथ्वी पे शासन कर सकता है। जब ये सब चीज़ें बताई प्रभु जी ने, एक चीज़ बताई कि भक्ति से तो इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भक्ति के लिए तो श्रद्धा चाहिए। तो फिर रूप गोस्वामी जी ने पहले 4 या 5 श्लोक किए क्यों लिखे, क्योंकि इन वेगों की वजह से, काम का वेग है, क्रोध का वेग है, जीवा का वेग है, इन वेगों की वजह से क्या होता है, हमसे अपराध होते हैं, और अपराध के कारण फिर क्या होता है, भक्ति बढ़ नहीं पाती आगे, इसीलिए इन वेगों को जीतना भी बहुत जरूरी है। तो आगे लास्ट तक कहाँ लेके गए रूप गोस्वामी पाद, जो लास्ट के श्लोक है वो वही है, राधा कुंड की महिमा और जो प्रेम रस, जो रस की बात वो बताने आए। तो रूप गोस्वामी पाद का यही वैशिष्ट्य है कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, जो भी बताया, जब भी वो रस के आचार्य हैं, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, और उस रस की बात तक पहुंचा दिया। तो यही सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। जैसे अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो जो बच्चा जिसने बीटेक कर लिया, अगर वो एमटेक में एडमिशन लेगा तो वो एमटेक की स्टडी पढ़ेगा ना, एबीसी का खर्चा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने क्या दिया हमें, स्टडी तो दी है एमटेक से भी ऊपर, मतलब पूरा लास्ट तक, लेकिन बताया बिल्कुल बेसिक लेवल से, आदु श्रद्धा तो साधु संबोध भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करके फिर ऊपर तक बताया। यह सबसे बड़ा उनका वैशिष्ट्य है, नहीं तो कोई भी संत जिस भाव का होता है वो उसी भाव के विषय में चर्चा करेगा, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं, शुरू से बताया शुरू कैसे करना है, हरि नाम ही सार है, हरि नाम से शुरू करके कैसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ये उनका बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। अब बात आती है कि जब महाप्रभु ने से इनका मिलन हुआ, तो महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी थी कि आप लुप्त तीर्थों का उद्धार कीजिए, वृंदावन चले जाइए, और क्या आज्ञा, 4 कार्य दिए थे, वो कृष्ण नाम का प्रचार कीजिए, लुप्त तीर्थों का उद्धार कीजिए, ग्रंथों का प्रणयन कीजिए, ग्रंथ लिखिए, और हरि भक्ति का प्रचार, यह उनको आज्ञा दी महाप्रभु ने। तो इसको लेके आज्ञा को लेके रूप और सनातन दोनों भाई वृंदावन आ गए। अभी जैसे हम लोग ने श्रवण किया कि रूप गोस्वामी कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और सनातन गोस्वामी पाद थे प्राइम मिनिस्टर, उस पद को छोड़ करके ये वृंदावन में आए हैं, और इनकी आय कितनी थी, 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय में, 1 साल की आय, 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती हैं, उस समय की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका जो वेट होता था वो 54 ग्राम होता था, 54 ग्राम्स, जैसे अभी 10 ग्राम होता है, तो किसी देश के पास इतना सोना नहीं होता होगा जितना उनके पास धन था, और ऐसा वैभव में रहते थे कि कोई सोच नहीं सकता। इनके घर का विषय वर्णन आता है, एक ग्रंथ मैंने पढ़ा था, उस ग्रंथ में इनके घर का विषय है कि ऐसा महल है, इतने सुंदर सुंदर आवाजें, जैसे घुसते हैं तो कई लोगों ने बेल बजाई होती है ना घर में घुसते ही, क्या बोलते हैं उसको, वो आवाज से हवा से हिलती है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां, मतलब बहुत ही बढ़िया घर, इतना बड़ा महल उसमें रहते थे, तो बहुत ही वैभव था मतलब, लेकिन उस सारी चीज को त्याग करके यहाँ वृंदावन में आके तो कैसे रहते हैं, उसके लिए बताया, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मोह वंदे रूप सनातनो कलि रघुयुगो श्री जीव गोपाल को
कि कैसे रहते हैं कि इतनी बड़ी अशेष मंडलपति जिसको कोई कोई त्याग नहीं कर सकता उसको त्याग करके आ गए। और क्या लिखा भूतवा दीन गणेश को कि इतने दीनहीन की भांति रहते हैं, दीन गणेश को लिखा जिसने ये अष्टक लिखा। और कैसे रहते हैं टोपी और कंथा धारण करके, गुदड़ी धारण करके रहते हैं और कोई झोंपड़ी नहीं बनाई, कोई मंदिर नहीं बनाया, अपना एक पेड़ के नीचे रह लिए, अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे, इस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया। कभी खाने को कुछ मिल गया अपने आप तो ठीक है, नहीं तो भूखे ही रह गए और सोते गिरने के सिर्फ मात्र चार दंड, कभी कभी वो भी नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे रह के भोजन किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। दोनों भाई क्या करते थे, रूप और सनातन, एक ग्रंथ है वारा पुराण, उसमें ब्रज की लीला स्थलियों के बारे में लिखा है कि इतने एंगल पे इतने कोण पे ये लीला स्थली है। तो इंटेलिजेंट तो थे ही दोनों भाई, और दोनों भाई उस ग्रंथ के अनुसार सब स्थलियों को ढूंढते थे और फिर यहाँ के लोकल ब्रजवासियों से पूछते, तो उनको तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर अपने हिसाब से देख के वहां पे कुछ खुदाई करते तो वहां कुछ ना कुछ मिल जाता था। इस प्रकार से सब तीर्थों का उद्धार किया। और फिर विग्रह की स्थापना के बारे में भी महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, तो विग्रह की भी चिंता थी रूप गोस्वामी पाद को कि विग्रह प्रकट नहीं हुआ। तो वज्रनाथ जी जो कृष्ण भगवान के प्रपौत्र थे, उन्होंने 16 विग्रहों की स्थापना करके ब्रज की पुनः स्थापना की थी, क्योंकि कृष्ण भगवान के जाने के बाद ब्रज लुप्त हो चुका था। तो उसमें चार देव थे, गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव और बलदेव। तो उसमें जो गोविंद देव जी का विग्रह था वो वृंदावन में स्थापना किया था, हरिदेव जी का विग्रह मानसी गंगा में। तो ये जो विग्रह थे ये लुप्त हो चुके थे, क्योंकि 5000 वर्ष पुरानी बात है, कितने ही आक्रमण हुए हैं। 700 ईस्वी में विक्रमादित्य जी ने मथुरा में जन्मभूमि बनवाई थी, कितना सुंदर मंदिर था उसका वर्णन आता है कि जब उस मंदिर को तोड़ा गया था तो जो महमूद गजनवी ने सबसे पहले हमला किया था 1000 ईस्वी में, पूज्यपाद माधव महाराज की, पूज्यपाद नासी महाराज की। तो उसमें वर्णन आता है कि जब वो मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर जब गजनवी ने हमला किया जन्मभूमि पे, तो उसका एक प्रधान जो उसका मंत्री था वो लिखता है, अलउलवी उसका नाम था अपनी किताब में, कि जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो इतना भव्य मंदिर है कि कम से कम कितनी मुद्राएं, उसने कितने ही लाखों स्वर्ण मुद्राएं लिखी है कि उसको बनाने में खर्च हो जाएंगी। और कहता कितने भी बढ़िया से बढ़िया कारीगर ले लो, कितने भी कुशल कारीगर ले लो, कम से कम 200 साल तक 200 कुशल कारीगर लगे रहे तब ऐसा मंदिर निर्माण हो सकता है जिस मंदिर को तोड़ा गया। और इतना सोना 20 दिन तक लूटा रहा मथुरा को, और इतना सोना चांदी की ऊँट ऊँट में जब लाद के लेके गए हैं तो वो ऊँट भी गिर गए रास्ते में जमुना जी के किनारे जाते आते, और कितना ही धन वो छोड़ के चला गया, इतना धन था। तो ऐसे ऐसे करके फिर दोबारा मंदिर बना, फिर दोबारा टूट गया, औरंगजेब ने हमला किया, उसके बाद फिर टूट गया ये मंदिर, ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है। तो जब रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया उसकी क्या कथा है, यही जो गोविंद देव जी है ये विग्रह, जब भी हमला होता था पंडित जी क्या करते थे, पंडित जो पुजारी जो भी रहता था वो ठाकुर जी को यहाँ नीचे दबा के चले गए या कहीं छुपा दिया। अभी भी वृंदावन में एक गोविंद कुंड है जहाँ पे ये विग्रह एक महीना तक छुपा रहा, छुपा के रखा गया था। तो जब रूप गोस्वामी जी के समय में ये विग्रह लुप्त था, तो रूप गोस्वामी जी ने कैसे प्रकट किया, उनको बड़ी चिंता थी। इतने में एक ब्रजवासी आके रूप गोस्वामी पाद को बोलता है कि बाबा वहाँ एक गाय आती है गोमा टीला पे और अपने आप उसके दूध आता है थनों से, तो आप जाके देखो। वो ब्रजवासी और कोई नहीं था, वो तो भगवान ही थे। जब रूप गोस्वामी जी ने जाके वहाँ देखा तो ऐसा ही था, गाय के थनों से अपने आप दूध आ रहे, तो उनको समझ में आ गया कि यहीं पर कोई विग्रह है। तो उतने में साथ को सफर में गोविंद देव जी ने भी दर्शन दे दिए। फिर रूप गोस्वामी जी ने स्थानीय लोगों की मदद से वहां पे जाके जब खुदाई करवाई तो वहां से गोविंद देव जी प्रकट हो गए। और फिर गोविंद देव जी की सेवा रूप गोस्वामी पाद तो लता पता के मंडप बना के ही करते थे, लेकिन बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, थोड़ा मंदिर बनवा दिया था। फिर कुछ समय बाद जब अकबर का राज्य आया
तो अकबर ने इस मंदिर का जो है ये जब लाल किला बना है आगरा का, उस पत्थर को मंगवाया गया था, लाल पत्थर को, उसी पत्थर से फिर इस मंदिर का निर्माण करवाया था अकबर ने। और ये मंदिर असाधारण नहीं है, इस मंदिर की नींव उतनी ही है जितना ये मंदिर ऊपर है। पीछे इस मंदिर की खुदाई हुई थी, कुछ काम चल रहा था, तो वो कारीगर बता रहे कि महाराज जी मैं तो ये समझ नहीं आ रहा है जाता कहाँ तक है। और कहते कोई नींव वो नहीं है कि जैसे कुछ सीमेंट या रेता यूज करके नहीं बनाया गया, कहते मेल और फीमेल ऐसे करके बना के ढांचे यूज किए गए हैं और बस लोहे की सांकर लगा के पत्थर को जोड़ दिया गया है। तो ये मंदिर इतना ज्यादा मजबूत है, इसीलिए तो 500 साल हो गए अभी तक खड़ा है ऐसे। और इसी मंदिर में जब औरंगजेब ने हमला किया था तो उधर मस्जिद बना दी थी, हमारे पास एक फोटो भी है जब इसके ऊपर एक दीवार है जिसके ऊपर खड़े होकर इबादत करते थे मुसलमान। फिर बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया, एक मुगलों का शासन चला गया, लेकिन ठाकुर जी तो फिर ये मंदिर जबकि खंडित हो गया था, इसीलिए ठाकुर जी को लेके यहाँ एक रूप से यहाँ से पहले भरतपुर गए, भरतपुर से फिर ठाकुर जी जयपुर चले गए एक रूप से। और दूसरा मंदिर फिर एक जयपुर के राजा ने पीछे एक और मंदिर बनवा दिया जो अभी भी विद्यमान है। तो वहाँ भी अभी जाते हैं तो गोविंद देव जी के दो मंदिर हैं। तो इस प्रकार उद्धव स्वामी जी ने गोविंद देव जी की पुनर्स्थापना की, सनातन गोस्वामी जी द्वारा मदन गोपाल ठाकुर जी, मदन मोहन जी प्रकट हो गए। इस प्रकार से इन्होंने सब प्रकार से, जैसे कि महाराज जी ने कल बताया था ना कि रूप गोस्वामी जी ने ऐसे दो ग्रंथ लिखे हैं जो कि भक्ति का कपाट है, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। तो केवल यही दो ग्रंथ नहीं, उन्होंने तो 16 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, और उन सब ग्रंथों में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और साधुओं के लिए कितना कुछ है जानने के लिए। जैसे कल प्रभु जी कथा कर रहे थे, नासी महाराज जी ने बताया था, अन्याभिलाषिता शून्य श्लोक की व्याख्या की थी, बताने को तो बहुत कुछ है, मतलब इतना दिया कि कोई संभाल नहीं सकता। और हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हम हिंदू होते हुए, सनातन होते हुए इन सब चीजों को संभाल लें, हमारा तो बस इतना ही है, हम अपने मंदिरों को, इन सब चीजों को, जो इतने ग्रंथ हैं इनको बचा लें। हमारे गुरुदेव का कितना वैशिष्ट है, कितना बड़ा वैशिष्ट है कि जो इन तिथियों को उन्होंने ऐसे करके पालन किया, और हमारे महाराज जी जो अभी भी उसको आगे चलाते आ रहे हैं। नहीं तो क्या है, आज मैं आपको क्या बताऊं, महाराज जी ने मुझे कार्ड दिए, मैं कार्ड देने गया तो कई कई मठों में तो ताले लगे पड़े थे, लेकिन हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में देखिए कैसे कितने लोगों की भीड़ है, कितना मेला अच्छा लगता है ऐसे। कल जब हम सब लोग राधा दामोदर मंदिर गए हैं तो कितना बढ़िया लग रहा था वहां पे कि रूप गोस्वामी जी की तिथि है और हम लोग उत्सव को मना रहे हैं, इस कितना अच्छा लगता है। गुरुदेव का कितना बड़ा वैशिष्ट है यहाँ पे, कितनी महिमा है उनकी, सोच सोच के हैरानी होती है कि हमारे गुरुदेव ने कितनी बड़ी वस्तु प्रदान कर दी हम सबको। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, आप सब लोग अपने घरों में रहते, अपने बच्चों के बर्थडे बनाते या कुछ और करते, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें ठाकुर जी की तिथियां, हमारे गोस्वामियों की तिथियां और उन ग्रंथों के बारे में जिसको हमने कभी सुना, सुनने का भी हमें शायद मौका ना मिलता, उनको बारे में जानने का मौका मिला। हमारे महाराज जी लोगों के पास इतना ज्ञान का भंडार, जैसे तीर्थ महाराज जी कहते थे ना कि हमारे गोस्वामी लोग तो, हमारे संत जो गुरुवर्ग हैं वो शास्त्रों को पी गए, ऐसे बोलते थे तीर्थ महाराज जी, पूज्य तीर्थ महाराज में बताते थे, और कैसी कैसी कथाएं बताते थे, ये कहाँ सुनने को मिलेंगे। इसीलिए हम सबका भी यही कर्तव्य है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें, वैष्णव के अनुगत्य में सीखें और आगे इन सब चीज़ों का प्रचार करें, ताकि हमारी यह इतनी सुंदर धरोहर जो किसी के पास है ही नहीं, इसकी रक्षा हो सके, इसका आगे प्रचार प्रसार हो सके। इतना बोलते ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल तरुणेश कृपा सिंधु पतिता नाम पावन सिंधु। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे।
मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म हरिनाम प्रदाता नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और उपस्थित पूज्यपाद माधव महाराज जी पूज्यपाद नरसिंह महाराज पूज्यपाद वैष्णव महाराज और बाबा महाराज जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि को पालन कर रहे हैं श्री गुरुदेव की कृपा से। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान कभी भी अकेले अवतरित नहीं होते। भगवान हमेशा अपने नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सबको लेकर के ही अवतार ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सह पार्श्व ये धाम सह अवतरी कि जब महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया तो उस समय उन्होंने अपने धाम और अपने परिकर सबको साथ में लेकर के अवतार ग्रहण किया। जिस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः कि मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य हैं, उसी प्रकार से जो भगवान और उनके भक्त, जिस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं उसी प्रकार भगवान के भक्तों के जन्म और कर्म भी दिव्य होते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी का जन्म बंगाल में हुआ। वहाँ पर ये भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था कुमार देव। ये पहले कर्नाटक में, इनका वंश जो है पहले कर्नाटक में रहता था, परंतु बाद में गंगा के किनारे वास करने इसकी इच्छा से ये लोग बंगाल में आकर के, इनका पूरा परिवार यहाँ पर आकर के वाकला चंद्रद्वीप एक स्थान है वहाँ पर आकर के रहने लगे। तो इन कुमार देव जी के जो पुत्र थे श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी और अनुपम गोस्वामी जी, ये तीनों ही बहुत ही ये नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के। श्री अनुपम गोस्वामी जी भगवान रामचंद्र के परिकर हैं और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी भगवान कृष्णचंद्र और गौरांग महाप्रभु के परिकर हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर इनका जन्म हुआ और बचपन से ही क्योंकि नित्य सिद्ध परिकर हैं तो स्वाभाविक इनकी रुचि जो है भगवान में, उनका नाम कीर्तन भागवत कथा इत्यादि श्रवण करने में, इन्हीं सब चीज़ों में वो अपना समय व्यतीत करते थे। जब बड़े हुए तो उस समय वहाँ पर जो राज्य था हुसैन शाह का राज्य था, तो इन्होंने राम के लिए ग्राम में जा कर के वहाँ पर हुसैन शाह के राज्य में, जैसे हमने श्रवण किया कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इन दो पदों को ग्रहण किया और वहाँ पर हुसैन शाह के दरबार में ये काम करते थे। लेकिन नित्य प्रति जो इनका नियम था अपने घर में आकर के भागवत कथा का श्रवण करना, चिंतन करना और आपस में भागवत कथा का ही विवेचन आलोचना करना, तो ये उनका नित्य प्रति नियम था। तब महाप्रभु के साथ इनका सबसे पहले मिलन कब हुआ? जब महाप्रभु राम के लिए ग्राम में पहुंचे जब महाप्रभु राम के लिए ग्राम में पहुंचे तो महाप्रभु के साथ अरबों अरबों लोग जो है महाप्रभु के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यह देख करके जो वहाँ का राजा था हुसैन शाह बड़ा चिंतित हुआ। उसको लगा कि कहीं ये कोई मुझ पर आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे, कहीं मेरा राज्य छीनने के लिए तो नहीं आ रहे। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन्होंने उनको समझाया कि ये आपका राज्य छीनने के लिए नहीं आ रहे, ये तो यहाँ पर ये तो एक संत हैं और इनको आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि ये आपके देश में इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं लाखों लाखों भक्तों को साथ में लेकर के। तो हुसैन शाह को रूप गोस्वामी जी की बातों पर विश्वास हुआ। उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी जा करके महाप्रभु का उन्होंने दर्शन किया। तो सबसे पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के पास गए। देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी, जब भी कोई भी वैष्णव जो नित्य सिद्ध परिकर है तो शुद्ध वैष्णव है या कोई भी वैष्णव जगत में है, वो अपने आचरण के द्वारा ही शिक्षा देते हैं। तो सर्वप्रथम रूप गोस्वामी जी ने यहीं पर दोनों भाइयों ने हमें क्या शिक्षा दी कि अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमारे लिए माध्यम क्या है? केवल मात्र वैष्णव। इसलिए सबसे पहले वो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम और उनके प्राण स्वरूप कौन है? श्रीमन महाप्रभु।
तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना और श्री हरिदास ठाकुर आदि संतों की कृपा के बिना हम कभी भी महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पास और हरिदास ठाकुर के पास निवेदन किया और फिर उनकी कृपा से श्रीमन महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। वह कदम का वृक्ष आज भी वहाँ पर है जिसके नीचे बैठ करके जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को प्रथम बार दर्शन हुए थे महाप्रभु के। तो उस समय भी जब दर्शन हुए तो उन्होंने बहुत ही अधिक दीनता प्रकट की। क्या बोले कि हम लोग तो जगाई और मधाई से भी अधिक पापी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मलेच्छ का संग करते हैं, मलेच्छ के बताए हुए कर्मों को हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब कुकर्मों को करने की वजह से जो माया ने है हमारा गला बांध करके हमें विषयों के गर्त में डाल दिया है। इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। तो दंतों में तृण धारण करके श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के पास गए। यहाँ पर भी यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर हमें वैष्णवों के समक्ष जाना हो भगवान के शिव विग्रह का दर्शन, क्योंकि हम लोग साक्षात तो भगवान के दर्शन अभी कर नहीं सकते, तो शिव विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमें अत्यंत दीनतापूर्वक हमेशा यह सोचते हुए कि मुझसे दीनहीन कोई नहीं है। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, मोस्तम कौन कुटिल खलकामी। हर समय इस बात को स्मरण करते हुए ही हमें गुरु वैष्णव के समीप जाना चाहिए। यद्यपि ऐसा करना मतलब मुझ जैसे बद्धजीव के लिए मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, परंतु फिर भी बार बार इसी की चेष्टा करनी चाहिए कि हम लोग दीनहीन होकर के वैष्णव के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें और वो हमारा उद्धार करें। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने बड़े दीनहीन होकर के महाप्रभु से प्रार्थना की। तब महाप्रभु ने बोला कि आप तो मेरे नित्य सिद्ध दास हो, आप तो मेरे नित्य दास हो, और क्योंकि नित्य सिद्ध परिकर हैं। और वहीं पर उन्होंने उनका नाम दिया रूप, जो उनको पहले दबीर खास और साकर मलिक बोला जाता था। साकर मलिक सनातन गोस्वामी जी का नाम था और दबीर खास रूप गोस्वामी जी का नाम था। तो वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको रूप और सनातन नाम दिए। ये उनके नित्य सिद्ध नाम हैं। और रूप गोस्वामी जी कौन है? रूप मंजरी हैं और सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी। तो इस प्रकार वहाँ पर सबसे प्रथम मिलन हुआ और सनातन गोस्वामी जी ने वहाँ पर महाप्रभु ने उनको ये भी बोला कि आप शीघ्र ही वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। फिर सनातन गोस्वामी जी को जब ये पता चला कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी जी ने उनसे बोला कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है इतने सारे लोगों को साथ में लेकर के, क्योंकि उस समय सब जगह पर मुसलमान शासकों का राज्य था, रास्ते में कोई दिक्कत हो सकती है, और वैसे भी जो है वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर ऐसा दर्शन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद वो वापस अपने घर पर आए और उसी तरह से साधन भजन करने लग गए। और महाप्रभु को महाप्रभु की आज्ञा वृंदावन जाने की जो उनकी इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण भी किया, अर्थात दो ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने कृष्ण मंत्र का यज्ञ भी करवाया, नाम संकीर्तन इत्यादि, और स्वयं भी अपना नाम संकीर्तन करते थे कि शीघ्रता से हम लोग जो है वृंदावन चले जाएं। फिर जब महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात जो है उनको पता चला कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया है और महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, तब रूप गोस्वामी जी ने अपना जो वो कार्य करते थे उसके उससे इस्तीफा दे करके वो भी जो है महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयाग में उपस्थित हुए। प्रयाग में आकर के महाप्रभु से का दर्शन किया और अत्यंत दीनतापूर्वक उनका दर्शन किया और वहाँ पर रह करके बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया। और वहाँ पर ही अड़ैल ग्राम में श्री वल्लभाचार्य जी रहते थे और उनको जब पता चला कि श्रीमन महाप्रभु आए हुए हैं तो वो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए और उनको अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रण किया। तो जब नौका में महाप्रभु और रूप गोस्वामी और अन्य सभी भक्त लोग जा रहे थे वल्लभाचार्य जी के साथ, तो वहाँ पर महाप्रभु एक प्रेम में उन्मत्त हो गए। नाम संकीर्तन चल रहा था तो प्रेम में उन्मत्त हो गए और उन्मत्त होते हुए ही वो यमुना जी में जो वहाँ पर गंगा जी हैं उसमें कूद गए। तो ऐसा देख करके तो सभी भक्त लोग बड़े ही मतलब डर गए कि अरे ये क्या हो गया। तब महाप्रभु किसी तरह से बाहर निकाला गया और वल्लभाचार्य जी के स्थान पर पहुँचे और वल्लभाचार्य जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से उनको प्रसाद इत्यादि उनकी सेवा की, फिर उनको आराम करने के लिए उनके व्यवस्था की। उसके बाद वहाँ पर एक भक्त आए रघुनाथ उपाध्याय, उन्होंने वो बड़े ही वैष्णव पंडित थे, रघुपति उपाध्याय।
तो वो जो रघुपति उपाध्याय थे उनका महाप्रभु, उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया और वहाँ पर सत्संग हुआ। जब उन्होंने महाप्रभु ने उनसे पूछा कि सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ धाम कौन सा है, तो उन्होंने रघुपति उपाध्याय जी ने बोला कि जो नव किशोर रूप है भगवान का, कृष्ण का जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप है, यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है, मथुरापुरी धाम है। तो यह सुनकर के महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। और वहाँ पर एक और घटना हुई थी कि रूप गोस्वामी जी को, श्री वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी जी से मिलना चाहते थे, उनको आलिंगन करना चाहते थे, परंतु रूप गोस्वामी जी ने पीछे हटकर उनसे कहा कि मैं तो एक मलिच्छ हूँ, मैं तो अत्यंत दीनहीन हूँ, आप मुझे छुए मत। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी की इतनी दीनता को देख करके वल्लभाचार्य जी बड़े विस्मित हुए, क्योंकि महाप्रभु के जो भक्त हैं वो क्या है, वैराग्य प्रधान, उनके प्रत्येक आचरण में वैराग्य दीनता यह सब प्रकाशित होता है, और इसको देखकर के वल्लभाचार्य जी बड़े ही विस्मित हुए। उसके पश्चात महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को आज्ञा दी कि आप वृंदावन चले जाइए, और महाप्रभु वहाँ से काशी होते हुए फिर वापस पुरी आ गए। तो वृंदावन जाने के बाद श्री रूप गोस्वामी जी वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहे, सभी स्थानों का भ्रमण किया, और उसके पश्चात फिर सनातन गोस्वामी जी से मिलने की इच्छा से वो वापस आ रहे थे कि सनातन गोस्वामी जी से उनकी भेंट हो जाए। लेकिन सनातन गोस्वामी जी काशी में महाप्रभु से मिलने के बाद वो वृंदावन की ओर चल पड़े, और ये वृंदावन से वापस इस तरफ आ रहे थे पुरी की तरफ। तो रास्ते में गौरदेश होते हुए ये पुरी पहुँचे। तो रास्ते में दो घटनाएँ जो सुनने को मिलती हैं कि एक तो जो उनके भाई थे अनुपम गोस्वामी, इनको रास्ते में इनका इन्होंने शरीर छोड़ दिया और इनको भगवान रामचंद्र के धाम की प्राप्ति हुई। और एक घटना और उनकी सुनने को मिलती है कि जब ये सत्यभामापुर में पहुँचे तो उस समय श्री रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथ का जो है रचना कर रहे थे। तो उस समय सत्यभामा जी ने इनको स्वप्न दिया कि आप द्वारिका लीला, जो हमारी द्वारिका लीला है, उसको ब्रज लीला से अलग से वर्णन कीजिए। इसीलिए उन्होंने फिर इसको दो ग्रंथों में, ब्रजलीला को और द्वारिका लीला को, विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथों में वर्णन किया। उसके बाद जब रूप गोस्वामी जी पुरी पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने सीधा जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। क्यों? यहाँ पर भी वो यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, अत्यंत दीन हैं, हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर का, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हर समय वहाँ पर जो पंडा पुजारी हैं, जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, वो हर समय किसी ना किसी कार्य से मंदिर से अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, प्रसाद जो भोग लेकर के आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं हमारा कुछ उनका हमारी तरफ से कोई अपराध ना हो जाए, कहीं वो हमको छू लें। तो इस तरह से वो ना तो महाप्रभु के पास गए और ना ही जगन्नाथ मंदिर गए, वो सीधा गए हरिदास ठाकुर के पास, और वहीं पर हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में रह करके भजन करने लगे। तब महाप्रभु जी वहाँ पर जब एक दिन आए तो उन्होंने जब हरिदास ठाकुर जी से उनका मिलन हुआ, फिर रूप गोस्वामी जी से उनका मिलन हुआ, तो रूप गोस्वामी जी ने वहाँ पर बड़े ही सुंदर श्लोकों की रचना की, जिसमें से एक श्लोक है जो उन्होंने रचना करके उसमें रख दिया था, जो उनकी भजन कोठी थी उसके ऊपर छत पर रख दिया था। तो इस तरह से बड़े ही सुंदर श्लोकों का उन्होंने वर्णन किया। तो वहाँ पर दो श्लोक हमें सुनने को मिलते हैं, एक तो नाम की महिमा का श्लोक, एक जो महाप्रभु का प्रकाश है, महाप्रभु के स्वरूप का प्रकाश। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा था, तुंडे तांडवनी रति वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण करोड़ कदम्बनी घतयते कर्णापदेव सुप्रियाम चेतः प्रांगण संगनी सर्व विजेत कृतिम सर्व इंद्रिया नाम विजेत कृतिम को जाने जनता के दिभिर कृष्णेति अमृत कृष्णेति वरुण द्वयी। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, तुंडे तांडवनी रति वितनुते, कि जब यह जो कृष्ण नाम है यह जब जीवा को नृत्य करता है तो ऐसी इच्छा होती है कि तुंडे ताडनंदी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, कि मेरे करोड़ों करोड़ों जो हैं जीवा हो जाएं, ताकि मैं अपनी करोड़ों जीवाओं से भगवान श्री कृष्ण के नाम का वर्णन कर सकूं, और कर्ण करोड़ कदम्बनी घटे होते, कि मेरे करोड़ों करोड़ों काम क्यों नहीं हो गए, ताकि मैं इस नाम रस का, इस संकीर्तन रस का, इस कृष्ण लीला का श्रवण कर सकूं। और जब यह नाम पहले कीर्तन के माध्यम से और फिर श्रवण के माध्यम से जब यह नाम हृदय में प्रवेश करता है तो सारी इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है, अर्थात वह जो वैष्णव है
वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, केवल मात्र भक्ति। तो इस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की कि कितना यह सुंदर श्लोक, इसमें इस श्लोक को सुनकर के हरिदास ठाकुर और जितने भी वहाँ पर भक्त थे बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे नाम की महिमा का वर्णन तो कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं। और दूसरा श्लोक जो था, अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरक सुंदर द्वितीय कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कन्द्रे स्फुर्तु व शचिनंदन। आज से पहले श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप को स्पष्ट रूप में किसी ने भी प्रकट नहीं किया था, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप में श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप को इस श्लोक के माध्यम से प्रकट कर दिया कि वो कौन है। वो शचिनंदन मेरे हृदय में सदा स्फुरित होते रहे, जो कौन है, हरि पुरट सुंदर द्युति, जिनकी स्वर्ण कांति है तप्त कांचन, जो राधा रानी की कांति है तप्त कांचन गौरांगी, ऐसी कांति को धारण करके और उनके भावों को हृदय में धारण करके करुणा के साथ इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। और क्या वितरण करने के लिए, अनर्पित चरण चरात करुणा अवतीर्ण कलो, कि वह प्रेम रस, वह उन्नत उज्ज्वल रस जो बहुत समय पहले कभी दिया गया था उसी को फिर से देने के लिए। क्या है वो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, जो उन्नत उज्ज्वल रस, जो उन्नत उज्ज्वल रस है वो क्या है, श्री राधा रानी का भाव, जो राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण को सुख प्रदान करती हैं वो भाव क्या है, उन्नत उज्ज्वल रस। और उसकी श्री, उसकी शोभा मंजरी भाव, दास्य भाव जो हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान किया, उसके बारे में हमें बताया कि राधा दास्यम, तो इसी को प्रदान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु का अवतार हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से महाप्रभु की भगवत्ता को रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक में प्रकट किया। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी वैष्णवों से गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ कि रूप गोस्वामी जी के चरणों में मेरी कुछ प्रीति हो और हरि नाम के प्रति कुछ रुचि हो। वांछा करते श्रीमन महाप्रभु उनको चार प्रश्न, उनको चार प्रश्न पूछा था, सुनो, तुम दो बताया सेम रूप आदि, चार चार प्रश्न था, खड़े होने जरूरत नहीं, बैठो। जितने भी भगवत तत्व हैं उन भगवत तत्वों में से, विष्णु तत्वों में से कौन सा रूप श्रेष्ठ है, तब तक श्यामम एव परम रूपम। और भगवान के जितने भी लीला स्थलियाँ हैं, जस धाम है, कौन सा अधिक है, मतलब पूरी मधुपुरी बड़ा, काल कोई बता रहे थे वृंदावन, तो ये किया रघुपति उपाध्याय, क्या भूल बोला, इस रहस्य क्या है जानने की कोशिश करो, पूरी मधुपुरी बड़ा। और भगवान के जितने भी व्यक्रम है, कौन सा उम्र सर्वश्रेष्ठ बताया, वय कैस रकम, और जितने भी रस है कौन रस श्रेष्ठ, आद्य रस, श्यामम एव परम रूपम पूरी मधुपुरी बरा, वय कैस रकम ध्येयम आद्य एव परो रस, ये श्लोक है। और एक बात है, अब मैं तभी चला जाऊंगा वापिस, बोले मेरे बच्चों का तो सुन के आऊँ, ये आज हमारा 10:30 से 11 बजे तक इंग्लिश में गोपीनाथ भवन में क्लास है, फिर कल शाम को 4 से पूरा वर्ल्ड के लिए है, आज भी बहुत सारा मुझे क्लास कैंसिल करना पड़ा इधर प्रोग्राम के कारण, 4 से 5 तक उधर क्लास मैं कमरे में ही दूंगा जूम क्लास। और मेरा आज का जो टॉपिक्स है द टॉप मोस्ट टीचिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी, उसमें उनके संबंध क्या है, ग्रंथ का अभिधय क्या प्रयोजन ही दिखाऊंगा, और टॉप मोस्ट टीचिंग कौन सा क्यों है वो दिखाएंगे। और कल का जो टॉपिक्स है यूनिक गिफ्ट ऑफ श्री रूप गोस्वामी पाद, उसमें दिखाएंगे। और एक बात आप लोग कहना चाहता हूँ विशाल श्रीधर महाराज जी से, जब निमंत्रण पत्र में लिखेंगे, जब गौड़ीय मठ के जो भक्त हैं जो शादीशुदा है उनके लिए लिखा जाता है दासाधिकारी, यदि मठ में नहीं रहते हैं, और जो लोग मठवासी हैं उनके लिए दास नहीं, उत्तम कृष्ण दास ये सब नहीं, ब्रह्मचारी। और कोई शादीशुदा होने के बाद मठ में रहते हैं, भजन करते हैं, लाल कपड़ा हो गया उनके नाम के ऊपर लिखा जाता है ब्रजवासी, देखो सब दास 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 सब, ऐसे नहीं। जो भी लिखे, गोकुलपति लिखे और मथुरापति लिखे और वृंदावनपति लिखे, दोस्त गुण सब आपके ऊपर मर रहेगा ना,
अच्छा, और एक बात है, जब निमंत्रण पत्र देते हो, जब निमंत्रण पत्र किसी को चार पांच भेजते हैं, एक एक्स्ट्रा भेजना चाहिए। जैसे अब की बार मथुरा के तीन चार भेजा, उसमें जो आज का संचालक बसंत लाल चतुर्वेदी, उनका नाम लिखा बसंती लाल, तो हमारे सचिन ने बोला ये क्या है। हाँ, वो सब चलता है। बोले ऐसे चलता है, लोग क्या बोले, सब मूर्ख रहते हैं उधर। अरे एक एक्स्ट्रा तो लिखा एक रखना चाहिए। फिर सचिन को बोला उसमें एक पेपर काट के पेस्ट करके फिर नाम लिखो। और सन्यासी को सब श्रीमान श्रीमान ये तरीका नहीं है, ये सब सीखो, सीखने के बाद लिखो, ये करो। ये मधुकंठ का मनोज का दोष नहीं, इनको जैसे बुलाओ लिखा उसका दोष नहीं है। हरे कृष्ण। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विदान माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर आसीन सभी त्रिदंडी पाद सन्यासी गणों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा सभी बस समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ, गुरु जी भी बैठे हैं, थोड़ा दिल भी धड़क रहा है, कुछ गलत गलत भी बोलूँगा लेकिन फिर भी तो मैं कभी बोला नहीं रूप गोस्वामी की तिथि पर, और ना ही मुझे इस बात का कोई लगता है कि मैं अधिकार है। कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम लोग बीटेक एमटेक करके फिर एबीसीडी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो जब यहाँ पर एमटेक करके आया तो प्रभु जी ने कहा तुमको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, ए आ ई, और उन्होंने पढ़ाई हमको और कहा कि तुम घुस भर के आए हो अपने दिमाग से, तो पहले मैं घुस निकालूंगा फिर तुमको ए आ ई पढ़ाऊंगा। तो इस परमार्थ जगत की एबीसीडी ही हमें पढ़नी है, और मैं तो यही पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर। अभी भी मेरा वही उद्देश्य है कि मैं अध्ययन करता रहूं सिर्फ। तो इस संदर्भ में हमको गुरु गोस्वामी की तिथि हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में तो गुरु गोस्वामी ने ही हमको भक्ति रस से अवगत कराया, और मैं ढूंढ रहा था कि भगवत गीता में ऐसा भगवान ने क्यों छोड़ दिया भक्ति को, लेकिन तब लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब भगवत गीता में देखा मैंने तो जो द्वितीय षष्ठक है हमारा उसको हम बोलते हैं भक्ति योग, जिसको भगवान ने पहले और दूसरे षष्ठक के बीच में रखा है, कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच में। तो उसमें सबसे पहला श्लोक सातवें अध्याय का मुझे बड़ा आकर्षित किया, मैया सप्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय संशयम समग्रम माम यथा ज्ञासीसि तत् श्रु। भगवान कह रहे हैं मैया सप्त मनो पार्थ, व्हाट इज इट, मैया सक्त, मुझ में आसक्त हो जा। और रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि साधन अवस्था में जो हमारी पहली अवस्था है साधन भक्ति, तो उसका जो सातवां सोपान है वो है आसक्ति। और भगवान ने तो वहां सातवें अध्याय के प्रारंभ में भक्ति योग के आरंभ में ही बोल दिया कि तुम मुझ में आसक्ति वाला हो। अब भगवान में आसक्ति हो, मैया सक्त मना पार्थ योगम झुंझुन मदाश्रय, कैसे आसक्ति वाला हो, मदाश्रय मेरा आश्रय लेकर, अर्थात किसी भी और वस्तु का आश्रय नहीं लेना है। जैसे छठे अध्याय में बोला अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है, कि कर्म के फल का और कर्म का अर्थात इस संसार का और सभी पदार्थों का क्रियाओं का आश्रय छोड़कर सन्यासी च योगी च निरग्नि न चक्रिय, वही सन्यासी और वही योगी है। तो जिस वस्तु का हम आश्रय लेते हैं वास्तव में वही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि तू सब कुछ छोड़ दे सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल मेरा आश्रय ले। अनेकों बार भगवान ने हमसे आग्रह किया है, और बड़ा प्यार भरा आग्रह है भगवान का, मैया सत मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। इतना अच्छा मुझको ये लगा सिर्फ एक ही लाइन भगवत गीता की, तो मैं उसी में खो गया। और मुझे लगा अरे इसके अंदर तो कितने बड़े बड़े रहस्य भगवान ने भर दिए, पूरी शरणागति आ गई, मदाश्रय भगवान का ही आश्रय। भगवान ने कई बार कहा युक्त आसीत मत पढ़ मेरे ही परायण हो जा, तो सातवें अध्याय के पहले में ही उन्होंने बोल दिया कि तुम मुझमें आसक्ति वाला हो। अब आसक्ति की शुरुआत तो होगी श्रद्धा से, और श्रद्धा मैया सक्त बना पाते योगम युंजन मदाश्रय, कौन से योग की बात की है, भक्ति योग, भक्ति योग की ही बात कर रहे हैं। योगम युंजन भक्ति में लगा रहे, युंजन मतलब लगा रहे, तो उसके अंदर जैसे बैल होता है ना, वो गाड़ी में जोतते हैं तो उसमें बैल लगा रहता है, जोतता रहता है, उसको लगा रहता है, तो कहते लगा रहे तू सारी की सारी इंद्रियों से मेरी ही भक्ति कर, योगम युंजन। ये नहीं कि भक्ति समाप्त हो जाएगी किसी समय, नित्य है ना, जानते हैं हम लोग।
तो भक्ति नित्य है तो हमें लगे रहना पड़ेगा भक्ति में। योगम युंजन मदाश्रय, मेरा ही आश्रय लेना, किसी अन्य देवी देवता का, किसी संसार के स्त्री माता पिता पुत्र का, किसी का आश्रय मत ले, छोड़ दे सब। मैं करूंगा ना तेरा अन्यन्यास चिंतन, तो माम मैं तेरा ध्यान रखूंगा, काहे चिंता करता है। लेकिन श्रद्धा कहां गई? तो श्रद्धा को ढूंढते 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 मैंने सारा भक्ति योग पढ़ लिया और 12वें अध्याय के अंत में भगवान बोल रहे हैं श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अति मे प्रियः। जो 12वें अध्याय है, जो हमारा अंतिम है षष्टक का, 12वें अध्याय भक्ति योग षष्टक का जो अंतिम अध्याय 12वां अध्याय 20 श्लोक, उसके जो अंतिम श्लोक है 8 श्लोक, उसको बोला है अमृताष्टक, वो अमृतमय है 8 श्लोक लास्ट के। और उसके बाद में बोला कि उन श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं, 39 लक्षण, 39 लक्षण भगवान ने सिद्ध भक्तों के बताए 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक। लेकिन 20वें श्लोक में तो भगवान ने कमाल ही कर दिया, श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया। यहां पर भगवान साधक भक्तों की बात कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं उनको तो कहा वो प्रिय हैं, जो मेरे सिद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं वो प्रिय हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मेरे को साधक है। और कैसा साधक? श्रद्धा ना मत परमा, जो परमार्थिक श्रद्धा से युक्त होकर मेरा ही आश्रय लिए है। मत परमा मतलब मदाश्रय, मेरा ही आश्रय लिए। परायण का अर्थ होता है पर प्लस अयन, पर का मतलब श्रेष्ठ, अयन का मतलब आश्रय। तो जिसने सर्वश्रेष्ठ आश्रय लिया हुआ है, कृष्ण का ही एक आश्रय लिया हुआ है, वही है परायण, परायणता। तो भगवत परायणता की बात की और श्रद्धा की। अब यहां पर मुझको श्रद्धा मिली, क्यों मिली? क्योंकि ये साधकों का श्लोक है जो साधन कर रहे हैं। तो भगवान को साधक जितने प्रिय हैं, सिद्ध भक्त उतने प्रिय नहीं हैं। दुर्वासा जी से यही कहा था उन्होंने, भक्त ही भक्त जन प्रिय, भक्तों के भक्त मुझे प्रिय हैं। तो भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि मुझको साधक लोग ही प्रिय हैं, साधक भक्त जो कि हम हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि जिन लोग सिद्ध हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं, उनका क्या करेंगे भगवान, वो तो प्रौढ़ तने की भांति हैं, जो बड़ा बच्चा है उसका क्या करेंगे, वो तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन जो शुरुआत कर दी है जिन्होंने, उसके लिए भगवान बड़े आतुर हैं, बुला रहे हैं हमको, आग्रह कर रहे हैं आओ ना मेरे पास, आओ श्रद्धा लेके, थोड़ी सी श्रद्धा लेके आओ, उसके बाद तुम्हें गुरु संभाल लेंगे, है ना। और यही बात जब मैं देख रहा था भागवत के अंदर, जो यमराज जी, क्योंकि मुझे मौत से बहुत डर लगता था, है ना, तो डरता था कि कहीं आगे जन्म में कुत्ता बिल्ली ना बन जाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत भक्ति कर लो, नाम वाम ले लोगे भगवान का तो बच जाओगे, कम से कम कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनेंगे। तो अजामिल का प्रसंग बड़ा अच्छा लगता था, और जब उसमें ये पढ़ा यमराज जी ने कहा एतावाने लोकेस्मिन पुंसाम धर्म परे स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहणाति भी। यमराज जी कह रहे हैं एतावाने, जहां पर भी भागवत में एतावाने शब्द आया है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी अभी तक कहा गया इस सब का सार है ये एतावानेव। बस यूं समझो कि यही सब कुछ है, एतावानेव लोकेस्मिन पुंसाम धर्म है परम स्मृत, कि लोगों का इस जगत के अंदर एक ही परम धर्म है, वो क्या है? भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादिवी। और यही जो हमारा उपदेशामृत है उसका सार है, तन्नाम ग्रहणादिवी। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी यो नियोज तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। यही बात बिल्कुल रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अपना पूरा उपदेश लिखकर 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, और पहले कैसे? वाणी से, इस मन से नहीं करना शुरू शुरू में, मन से करेंगे तो जड़ स्मरण हो जाएगा, प्रभु जी बताते हैं जड़ स्मरण मत करो फंस जाओगे, इसलिए वाणी से लो। तो धीरे धीरे जो वाणी का, इस वाणी से जो हम कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, अनुगत्य में 3 बार इसमें अनु शब्द आया है, 3 बार तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, 3 बार शब्द आया अनु अनु अनु, मतलब अनुगत्य अनुगत्य अनुगत्य, यही है भक्ति योग। बिना भक्ति योग, बिना अनुगत्य के भक्ति नहीं हो सकती। तो यही रूप गोस्वामी का आग्रह है कि आप नाम का कीर्तन करो क्रमशः, क्रमेण मनसा नियोज्य, पहले वाणी को नियोजित करो। ऐसा हो जाना चाहिए कि 24 घंटे में अधिक से अधिक, जब तक सोते नहीं, भगवान का नाम वाणी से निकलता रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम, मन मन में निकलता रहे। मैंने देखा है अपने महापुरुषों को, महाजनों को, कि उनकी जीभ चलती रहती है, होठ फड़कते रहते हैं, ये होठों का फड़कना ही सब कुछ है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण भगवान बहु आशाएं बहु आयासें सिद्धता। तो जिस सिर्फ होठ हिलने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो हम होठ हिलाने में भी इतनी कंजूसी क्यों करें। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको पहले जो प्रभु जी बोले ना अजय प्रभु जी, कितना उम्र उनके लिए हुआ है? 60। देखो कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं कितना उम्र हो गया, क्या हम श्लोक याद कर सकते हैं। इन्होंने 60 साल उम्र भी उनके भक्ति में आए और नौकरी छोड़ कर बहुत बड़े सप्त दिल्ली में छोड़ करके आए, आ करके उन्होंने इतने श्लोक याद किया, इतने पूरा गीता याद कर दिया। हमारे जो छोटे मोटे ब्रह्मचारी थे ना, उसको बाद में ये आए, लेकिन उन्होंने इतने श्लोक में याद किया, सबको कर दिया। 60 साल उम्र में उन्होंने आ गई, इसलिए कभी ये नहीं सोचनी चाहिए इतनी उम्र हो गया हम क्या श्लोक याद कर सकता है, क्या होगा। मैं देखते हुए दंग रह गए, सबको उन्होंने फेल कर दिया इतनी उम्र में आ गए। इसलिए आप लोग सभी उत्साह पूर्वक श्लोक याद करो। उन्होंने सारा जीवन उन्होंने व्यस्त किया, लेकिन आ गए देखते हुए कैसे भी करना सुना है। इसलिए आप लोग भी जितने घर में रहते हो ये मत समझो हम घर गृहस्थी हम क्या कर सकते हैं हमारे क्या नहीं है। पहले इच्छा करिएगा उसके बाद कुछ कर सकते, पहले इच्छा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर ससिम भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भूरी भूरी दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित नरसिंह महाराज एवं हमारे राधारमण बाबा जी महाराज और वैष्णव महाराज एवं पूज्यपाद श्री प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम लोग गत कल से श्रील रूप गोस्वामी की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी जी के जो प्रणाम मंत्र है उसमें कहते हैं कि श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम एन भूतले सोम रूप कदा मह्यम ददाति सोपदांतिकम। तो पहली लाइन का जो अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको इस जगत में जिन्होंने प्रकाशित किया वो श्रील रूप गोस्वामी है। दूसरी लाइन का अर्थ थोड़ा मेरे अधिकार से ऊपर है क्योंकि उसके लिए मैं प्रार्थना करने लायक नहीं हूँ। और सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा सुना हुआ और सिर्फ पढ़ा हुआ है, इसमें मेरा कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ रहेंगी, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है क्षमा करेंगे। जैसा कि कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी का आविर्भाव बंग देश में हुआ और उनके पूर्वज जो थे कर्नाटक के निवासी थे, किसी कारण से फिर वो बंगाल में आ गए थे। इस तरह से उनका जीवन है, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। जब श्रील रूप गोस्वामी इस वृंदावन में आए तब श्रीमन महाप्रभु ने उनको कुछ आदेश दिए, उनको उन्होंने यह पूरा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को किस तरह से श्री रूप गोस्वामी ने पूरा किया कि श्रीमन महाप्रभु की इच्छा थी कि इस जगत में जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है वो प्रकाशित हो, तो श्रील रूप गोस्वामी ने सबसे पहले आकर उसी को किया। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, परम गुरुदेव का एक बहुत सुंदर लेक्चर है पत्रिका में हमने पढ़ा, उसमें कह रहे हैं कि यदि किसी को ब्रज रस में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसको लौकिक सत बंधु भत बहाओ, क्षमा चाहेंगे लौकिक सत बंधु गत भाव इसको ग्रहण करना पड़ेगा। ये लौकिक सत बंधु भाव है क्या, इसके लिए
उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं है, लेकिन जैसा मैं अपनी बुद्धि से समझाऊँ उसको थोड़ा प्रयास करेंगे बोलने का, कि जैसा कि हम लोग संसार में रहते हैं तो हमारी एक दूसरे से कैसी प्रीति है, जैसे मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं और जो दोस्त लोग हैं उनसे किस तरह की लौकिक मतलब जागतिक जो हमारा व्यवहार होता है, जब भी हम उनसे मिलते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, तरह तरह की जो हमारी क्रियाएं होती हैं वही क्रियाएं हमारी पारमार्थिक जगत में वैष्णवों के साथ होनी चाहिए। जब तक हमारी वैष्णवों के साथ जो क्रियाएं एक्टिविटीज और हमारे अंदर विशेषकर मेरे अंदर जो भरे हुए हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य कूट कूट इन सबको जब तक हमारे अंदर से दूर नहीं जाएंगे तब तक हमारा भक्ति राज में प्रवेश नहीं होगा। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत के सबसे पहले श्लोक में यही कह रहे हैं कि बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिवहा बेगम उदरो कोष्ठ बेगम एतान बेगान एव विशेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम संस्यात, कि जो व्यक्ति जो पुरुष इन छह प्रकार के वेगों को बाड़ी का वेग मन का वेग जिवहा का वेग और अन्य अन्य जो वेग बताए हैं इनको कोई नियंत्रित कर लेता है तो वह इस जगत में गुरु बन सकता है। कल परम गुरुदेव का एक लेक्चर हमने सुना, उसमें परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरुदेव हम बनाते तो हैं लेकिन हमारे गुरुदेव कैसे होने चाहिए, कह रहे हैं जो शील रूप गोस्वामी के अनुगत हैं उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं उनको गुरुदेव बनाना चाहिए, उन्हीं से हमें दीक्षा मंत्र लेना चाहिए, अन्यथा चाहे कोई कितना बड़ा वैष्णव हो कुछ भी हो यदि वो रूप गोस्वामी जी को पालन नहीं कर रहे हैं उनका शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं तो उनको हमें गुरुदेव नहीं बनाना चाहिए, उनसे दीक्षा मंत्र कतई नहीं लेना चाहिए। शील परम गुरुदेव भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि 1997 का एक लेक्चर है उसमें उस समय सभापति हमारे पूज्यपाद भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे, उसमें कह रहे हैं परम गुरुदेव कि इस श्री चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है इसको यदि आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, सबको मिलके चलना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर वैष्णवता के अंदर ये प्रेम नहीं आएगा तब तक हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक एक करके हम चलेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा को आगे बढ़ाने में हो सकता है हम यदि महापुरुष से बढ़ा सकते हैं जैसा कि हमारे गुरुवर्गों ने किया है, लेकिन आज की जो स्थिति देखते हुए नहीं लगता है, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। श्री रूप गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि भक्ति राज में हमें किस तरह से कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वेत्ति षड्विध भक्ति प्रसिद्धति, कि यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो व्यक्ति को बहुत अच्छे से उत्साह होना चाहिए। हम सुबह को मंगल आरती प्रभु जी हम लोगों को इतना फोर्स करते हैं तब हम आते हैं, इतना तो हमारे अंदर उत्साह है। और निश्चय की बात कथा में जैसा कि मुझे विशेष करके बहुत जल्दी नींद आ जाती है ये तो कथा सुनने का दृढ़ निश्चय है, और धैर्य जरा सी कोई कुछ बात बोल देता है तो गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, ये धैर्य है हमारे अंदर विशेषकर मेरे अंदर। हाँ मतलब गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आता है, मैं इसको क्या करूँ, प्रयास कर रहा हूँ कम करने का, यदि होता है जन्म में तो अच्छा है। इस तरह से कह रहे हैं कि भक्ति राज्य में हमें आगे बढ़ने के लिए छह जो चीज़ें बताएंगी उत्साह निश्चय धैर्य इस सब को पालन करना पड़ेगा, और भक्ति में जो बाधक हैं वो क्या चीज है उनसे हमें किस तरह से बचना है। तो कह रहे हैं कि अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्विध भक्ति विनश्यति, कि यदि व्यक्ति को भक्ति राज में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो बहुत अधिक खाने से बचना चाहिए। अधिक खाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ठाकुर जी को जो भोग लग रहा है तरह तरह के व्यंजन तो हम नहीं खाएंगे, उनको हमें खाना है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है जितने में हमारा पेट चल जाए सही सलामत। प्रजल्पो नियमग्रह प्रजल्प के लिए कह रहे हैं कि हमें भक्तों से या फिर जो संसार के लोग हैं उनसे बात तो करनी है लेकिन किस तरह की बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण संबंधी भगवत विशेष चर्चा करनी है, ना कि हमें अपने पूरे जन्म की कि हम वहाँ ऐसे जाते थे ऐसे करते थे, उन बातों से हमें बचना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ हैं इसलिए उनको छोड़ने में समय लगता है।
प्रजल को नियमग्रह, और हमें जो नियमों का पालन करना चाहिए ना कि नियमों का आग्रह। इसमें प्रभु जी बताते हैं कि नियमों का पालन, नियमग्रह का मतलब ये है कि जो नियम हमारे गुरुवर्ग ने बताए हैं कि भैया हमें एकादशी इस तरह से करनी है, उसमें अन्न नहीं खाना है, या फिर निर्जला रह सकते बहुत अच्छा है, या कुछ फलाहार करके रह सकते बहुत अच्छा है, वो तो नियम है। अब कोई उसके ऊपर कुछ चढ़ना चाहे नहीं, बिल्कुल पूरा ही पूरा निर्जला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, नहीं होगा, ये नियमाग्रह। और भी तरह तरह के उदाहरण हो सकते हैं, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो मेरी समझ में आया मैंने बोलने का प्रयास किया। और सील रूप गोस्वामी जो हमें देने आए थे वो था श्रीमन महाप्रभु की कृपा। श्रीमन महाप्रभु, जैसे कल प्रभु जी बता रहे हैं कि सील रूप महाप्रभु ने हमें रूप गोस्वामी को दान दे दिया। किस तरह से दान दिया? सी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ दिया उन्होंने, सी भक्ति रसामृत सिंधु दान के लिए कौमुदी, और तरह तरह के सिद्धांत परक ग्रंथ दिए। इससे पहले कहते हैं कि रूप गोस्वामी के आने से पहले कि क्या ग्रंथ नहीं थे? श्रीमती राधा रानी को लोग जानते नहीं थे? लोग जानते थे, श्रीमद भागवतम में वर्णन है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं है श्रीमती राधा रानी का। तो जो स्पष्ट रूप में वर्णन किया वो हमारे सिले रूप गोस्वामी जी ने किया। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो उसमें एक बहुत सुंदर कीर्तन हमारा कि यंकली रूप शरीर न धारत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त। कि यदि संसार में सील रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो इस ब्रज की महिमा को हम लोग नहीं जान पाते। हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत सील नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हम जान तो पाते, लेकिन जो ब्रज रस, ब्रज का भाव है, ब्रजवासियों का जो भाव है, उसको नहीं जान पाते। एक जगह स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि रागानुगा और रूपानुगा, जैसा कि सबको हम शाम को बहुत अच्छे से सुनेंगे, हमारे आज महोदय जी आएंगे डॉक्टर अच्युतानंद भट्ट जी, बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं रागानुगा और रूपानुगा का। तो उसमें परम गुरुदेव एक उसमें लिखा है पत्रिका में कि जो ब्रजवासियों के प्रति हमारा प्रेम है वो तो है अनुराग। वो अनुराग को जो भक्ति पोषित कर रही है वो है रागात्मिका भक्ति, और रागात्मक या भक्ति को जो लोग पालन कर रहे हैं वो है रागानुगजन। वो रागानुगजन कौन है? ब्रजवासी। और ब्रजवासी कौन है? जो सील रूप गोस्वामी जो को पालन करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ब्रज रस में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लौकिक सतबंधु भक्त भाव ग्रहण करना पड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। अंत में हम प्रार्थना करते हुए बस इतना ही कहेंगे कि परम गुरुदेव ने तो उसमें पत्रिका में लास्ट में ये लिखा है कि इस जन्म में ना किस जन्म में हम जैसे तैसे करके श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की धूल बन जाएं, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन मेरे शब्द वो तो महापुरुष है, मेरे शब्द ये हैं कि जैसे तैसे करके इस जन्म में तो नहीं होगी, किस जन्म में गुरु और वैष्णव के प्रति मेरी श्रद्धा और निष्ठा हो जाए, जिससे मेरा भक्ति राज में प्रवेश हो सके। वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु विचा पतिता नाम पावन भव वैष्णव नमो। हरे कृष्णा। हम लोग को मठ में कोई भी किसी का शिष्य, बेटे मेरे हैं सब, तो अपने बेटे से मैं ये आग्रह करूँगा, जब तुम लोग कुछ हरी कथा बोलते हो अपने गुरु को गुरुवर को प्रणाम करो। ये वैष्णव जग का नियम है, जहाँ की सीखते उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। तुम लोग के लिए परमेश्वरी खून को पानी बहा करके तुम लोग सिखाते हैं, उनको भी प्रणाम करना, ये मेरा तुम लोग के प्रति निर्देश है। हरे कृष्णा। अब मैं चलता हूँ। पंचा कुलपत रूपश्च कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने अभी तक श्री रूप गोस्वामी की महिमा को हमारे विभिन्न भक्तों के मुखार मिलने से, अलग अलग दृष्टिकोण से आप लोगों ने श्रवण किया है। कहते श्री रूप गोस्वामी की जो महिमा है, कहते अगर अनंत काल तक हम ये कथा को सुनते रहे तभी इनकी कथा को हम समाप्त नहीं कर सकते।
इसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उनकी इनकी इतने अवदान है। विशेष करके भक्ति जगत में कहते तीन चीज है, कहते एक समन तत्व है और एक अभिधेय तत्व है और एक श्री प्रयोजन तत्व है। जितने सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे सारे ग्रंथ में हमें यही तीन चीज ही मिलेगा, लेकिन श्री रूप गोस्वामी इन्होंने जो तीन चीज को ऊपर में परिपूर्ण रूप में उन्होंने हमको देख रखा है, परिपूर्ण रूप में किसी चीज की कमी नहीं की, इसलिए उन्होंने जो संबंध तत्व को ऊपर में उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लघु भागवत अमृतम। क्या ग्रंथ का नाम है? आप लोगों ने पढ़े हो कभी? कौन कौन पढ़े? हाथ उठा दो कौन कौन पढ़े। हाँ, ये जो लघु भागवत अमृत ग्रंथ में इन्होंने कृष्ण को ही हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, भगवान की तो और बहुत सारी अवतार है ना, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह वामन, ये कितने सारे अवतार हैं, लेकिन हमें केवल कृष्ण भक्ति ही क्यों करनी चाहिए? ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण ही हमारे इष्ट क्यों बने? इसलिए उन्होंने ये लघु भागवतामृत ग्रंथ में बहुत अच्छे तरह से उन्होंने विवेचना श्री रूप गोस्वामी उन्होंने किया है। इसलिए कहते विशेष करके ये जो कृष्ण का जो परतत्व है और कृष्ण का परतत्व को उन्होंने स्थापन किया है, जैसे श्रीमद् भागवत में जब सुत गोस्वामी उनने सारे अवतार का नाम लिया है, मत्स्य गुरु बराह नृसिंह और करते करते उसमें उन्होंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, ले करके उन्होंने बोले मैंने तो बड़ी गड़बड़ी कर दिया, बोले क्या गड़बड़ी किया, बोले कृष्ण को भी मैंने अवतार में मैंने गिन लिया है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण कौन है? बोले अवतार ही, कृष्ण अवतार ही है जिनसे सारे अवतार आते हैं। इसलिए जैसे श्री सुत गोस्वामी इतने चांस कलापुन स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोकम वृणयंती जुगे जुगे, तो बोले अभी तक मैंने जिन लोगों का नाम लिया है वो कृष्ण का कोई अंश का अंश कला है, लेकिन जो कृष्ण है ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो कृष्ण है ये परिपूर्ण, ये कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये लघु भागवतामृत ग्रंथ में इन्होंने वर्णना किया है कि जो स्वयं शब्द है, क्योंकि ये भागवत में उन्होंने तीन स्थान पर उन्होंने ये स्वयं शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे हम लोग कहते ना हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, जैसे इसमें पहला लाइन में कलयुग में हरि का नाम इसके सिवाय दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, जैसे वहां पर तीन बार बताए हैं, तीन बार से क्या हो जाता है, किसी बात को पक्की हो जाती है, उसी तरह से रूप गोस्वामी उन्हें लघु भागवतामृत ग्रंथ में ये कृष्णस्तु भगवान जो स्वयं शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, बोले भागवत में उन्होंने तीन जगह पर उन्होंने स्वयं शब्द को उन्होंने उद्धृत किया है। कहाँ पर? भागवत में ये तीन बार स्वयं, कहते भैया स्वयं शब्द का मतलब क्या होता है, बोले स्वयं शब्द का मतलब होता है अन्यान्यपेक्षम चतुरूपम स्वयं रूपम सहोचर, इसका मतलब होता है जो किसी और रूप को अपेक्षा नहीं करता। उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक संख्या है, ये एक संख्या और किसी संख्या की मदद नहीं लेता है, एक बोलने पर एक संख्या परिपूर्ण है, लेकिन जब हम दो बोलते हैं ना एक एक मिलकर तब दो होता है, तीन बोलो एक 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 मिलकर तीन होगा, दो एक मिलकर तीन होगा, चार बोलो दो दो चार ही होगा ना, तो तीन एक चार ही होगा, लेकिन ये हर संख्या क्या कर रहा है, दूसरे संख्या का मदद ले रहा है, लेकिन जब आप एक बोलो ना और एक जो संख्या है वो किसी का मदद लिए हुए ये पूर्ण रूप में ये प्रतिपादन करता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते कृष्ण ये स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भले यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बताए ये स्वयं शब्द को, तब उन्होंने बताए श्री जब उद्धव जी को साथ में जब श्री विदुर जी का मिलन होता है वहां पर भी बताए
क्या बताए? बोले स्वयं तो असामात्र त्रय रीस स्वराज्य लक्षा का समस्त कामम। यहाँ पर भी, यहाँ पर उद्धव जी भी कहते हैं, यहाँ पर भी कृष्ण को स्वयं तो असामात्र त्रय दृश्य। बोले कृष्ण कौन है? बोले नतत समस्याभ्य अधिकर सदृशते। बोले इनकी बड़े की बात छोड़ दो, ये असमर्थ तत्व, इनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं, इनके बराबर भी कोई नहीं। बोले त्रिभिष जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन कृष्ण को प्रणाम करते हैं इनके अधीन में, इसलिए तब इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया श्री जन संहार तबाते ब्रह्मा करिना तब इच्छा से विष्णु करिना पार। श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं जिनकी इच्छा से, किसकी इच्छा से? बोले कृष्ण की इच्छा से ही ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि करते हैं, कृष्ण की इच्छा से ही शंकर जी संहार करते हैं, कृष्ण की इच्छा से ही विष्णु पालन करते हैं, और कृष्ण की इच्छा से ही माया ये कारागार उन्होंने बनाई। इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने स्वयं शब्द को उदाहरण दिया। बोले तीसरा स्वयं, बोले जिस समय कृष्ण देवक गर्भ में आए, वहां पर 33 करोड़ देवता एक साथ में वहां प्रकट होकर के सबके सब गर्भ स्तुति में भी कहते हैं हरि तो स्वयं किल, वहां पर भी उन्होंने स्वयं शब्द को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते ये लघु भागवतामृत ग्रंथ में ये स्वयं शब्द को 3-3 बार दिखाया, और एक चीज उन्होंने अच्छी चीज दिखाई। बोले कि क्या चीज दिखाया? जैसे भगवान में एक गुण है हत्तारी गतिदाय, मतलब है अगर भगवान को हाथ से कोई मरे ना उनको जरूर गति मिलती है, उसको जरूर गति मिलती है। लेकिन यहाँ पर दिखा है जैसे भगवान का हाथ में मरने पर गति तो मिलती है लेकिन पूर्ण रूप में गति नहीं मिलती। तब उन्होंने उदाहरण देकर बताए जैसे ये जय और विजय, जब उन्होंने चतुर्सन का मार्ग को रोक लिए, अंदर में जा नहीं सकते हो, तब उन्होंने अभिशाप दिए, बोले जाओ हमारे मार्ग को तुमने रोके तुम राक्षस जन्म में चले जाओ। इतने में रोने लग गए, ठाकुर जी आए, बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले देखो अगर तुम लोग मेरे भक्त रूप में जाओगे तो 7 जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे बैरी बन करके शत्रु रूप में जाओगे तो 3 जन्मों के बाद में आओगे, बताओ तो क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते जल्दी से जल्दी वापस चले आओ। बोले जाओ तुम लोग मेरे शत्रु बन करके जाओ, राक्षस बन करके जाओ। तो उन लोगों ने पहले जीवन में क्या बन करके आए? बोलो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनको किसने वध किया? बोलो वराह भगवान श्री नरसिंह भगवान इनको वध किया। लेकिन वध तो इनके हाथ में हुई, लेकिन वध होने पर भी इनको सदगति नहीं मिली, उनको सदगति नहीं मिली। फिर दूसरे जीवन में कौन बन करके आए? बोलो जोर से, अब लोग कोई दिमाग नहीं लगा, चुपचाप देखता हूँ, बताओ अपने दूसरे जीवन में क्या बन कर गया? दूसरे बार रावण और कुंभकर्ण, किसने उनको मारा? राम ने मारा। मारे तो है लेकिन उनको सदगति क्यों नहीं हुई? कारण है इन्होंने, अब रामायण देखे कि नहीं? कौन कौन रामायण देखे? हाथ उठा दो। हाथ कोई हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर है? रामायण नहीं देखे? आप देखना वहां पर किसी तरह से जो रावण है ना, किसी तरह से रावण राम को राम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं किया। ले दो छोकरे जंगल में भटकने वाले हैं, वनवन में भटकने वाले, और अपना देश से निकाल दिया गया और वो भगवान हो गए। वो किसी तरह से उनको भगवान रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मरे तो है राम के हाथ में लेकिन उनको पूरा सदगति नहीं मिली। लेकिन तीसरी जीवन में क्या बन करके आते हैं? शिशुपाल और दंत भद्र। जब इनको तीसरी जीवन में जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र किसके हाथ में रहता है? कृष्ण को हाथ में रहते हैं। जब उन्होंने शिशुपाल दंत भद्र को कृष्ण ने मारे तभी जा करके इनको जो स्वरूप जो स्थिति जो जय विजय रूप में थे तभी उनको सदगति मिली। और विशेष करके वही जब जय विजय कर 14 जीवन में क्या बन करके आए?
बोलो हे भगवान, किसको कुछ पता है, जगाई माता ही बन करके आए, तो इनको उद्धार किसने किया है? श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि उन्होंने किया है, लेकिन इसी जीवन में अस्त्र में किसको मारे ही नहीं, लेकिन हृदय में जो इनके काम क्रोध उनको खत्म करके और जो इन्होंने क्या किया, उनके हृदय में उन्होंने प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है, उनको प्रेम प्रदान किया है। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक कृष्ण को हाथ में जब तक कोई नहीं मरेगा ना, तब तक पूर्ण रूप में सद्व्यक्ति उनको नहीं मिलेगा। जैसे पुतना को तो मारे, भगवान राम भी मारे, दूसरे अवतार भी मारे, लेकिन मारने पर भी दूसरे दूसरों को इतने श्रेष्ठ दत्गति नहीं दिए। लेकिन जैसे पुतना है, कृष्ण पुतना को मारे, बताओ कहाँ पर बच दिया, बोलो कौन सा गति मिला पुतना, बोलो जोर से, कहाँ पर स्थान दिया, गोलोक वृंदावन में उन्होंने मैया जसोदा की आनुगत्य में है, वो आनुगत्य में वहां पर ढाई चित्त गति उन्होंने प्रदान किया, गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। उन्होंने जमला अर्जुन को भी भजन किया है, कहाँ पर स्थान दिया, गोलोक में मधुकंठ और सिद्धकंठ रूप में नित्य रूप में सवेरे शाम को क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं को गान करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक कृष्ण को हाथ में कोई नहीं मरेगा ना, तब तक जो हतारी गति आई तब तो पूर्ण रूप में उसकी प्राप्त नहीं होगी। वहां पर उन्होंने कितना कितना उन्होंने उदाहरण दे करके कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है तब उन्होंने ये चीज को स्थापन किया। फिर लघु भागवत अमृत ग्रंथ में फिर भक्तों का जो क्रम है, जैसे यहाँ पर प्रश्न करते हैं श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री बृहत भागवत अमृत ग्रंथ लिखे, कहते जब उन्होंने बृहत भागवत अमृत ग्रंथ रूप गोस्वामी से पहले लिख दिए हैं, फिर इनको फिर ये लघु भागवत अमृत ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत था, वो ऑलरेडी तो सनातन गोस्वामी बृहत भागवत अमृत ग्रंथ को लेख चुके थे, फिर उन्होंने क्यों वर्णन किया, बोले कारण है अगर थोड़ी सी यद्यपि बृहत भागवत अमृत किया है, भागवत बृहत है, उसको जो भागवत को जो पढ़ नहीं सकते हैं उसका जो सारा स्वरूप में उन्होंने बृहद भागवत अमृत में दिए। लेकिन रूप गोस्वामी और ज्यादा दयालु बने, अगर ये श्री भागवत जो बृहद भागवत अमृत को अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं, अगर ये लघु भागवत, लघु मतलब छोटा है, अगर ये छोटा अगर इसी ग्रंथ को कोई पढ़ लेना भागवत बन जाएगा, उसको इतने ग्रंथ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए जैसे उन्होंने पांच तरह का भक्तों को दिखाए, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर, ये पांच तरह का भक्त हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भी ये लघु भागवतामृत ग्रंथ में उन्होंने सबके उन्होंने फर्क को दिखाते हुए, सबका स्टेज को दिखाते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप में वहां पर उन्होंने कैसे श्री नारद जी हर धाम से एक एक धाम को गए, लेकिन लास्ट भक्तों का अंतिम छोर कौन है, बोले श्री प्रेमातुर भक्त। कौन है प्रेमातुर भक्त, बोलो जोर से, कौन जोर से बोलो, कहते श्री उद्धव जी ये प्रेमातुर, उसको ऊपर और भक्त का कोई नाम नहीं, ये भक्तों का अंतिम छोर है। लेकिन ये उद्धव भी जब वो ब्रज में जाते हैं, जब ब्रजवासियों का प्रेम, विशेष करके ब्रज गोपियों का प्रेम, और जो श्री राधा रानी को जो दिव्य उन्माद को दर्शन किया, राधा रानी के प्रेम का दर्शन किया, उद्धव जैसे व्यक्ति भी कहते ना उसमें, कहते उद्धव शुद्धा है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाई उद्धव की बाजे प्रेम की ढोल। जहां पर उन्होंने ब्रज में जाकर के जब राधा रानी के प्रेम को उद्धव जी ने देखा, जहां पर कहते बंदे बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिचना स जासाम हरिपुत्रि भगवान करे, उन्होंने श्री राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना किया, ब्रज गोपियों की चरण की धूल को वंदना की। बोले जगत में अगर किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, इसका जीवन सार्थकता है, कभी ये ब्रज गोपियों की, क्योंकि इनकी कृष्ण के चरण में जो मति है, कृष्ण के चरण में जो, जब ये जंगल में वृंदावन में रहने वाले कंडा थपथपाने वाले, लेकिन होने पर भी कृष्ण जी चरण में इनका जो प्रेम है, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव जी कहते हैं, मैं भी जिस प्रेम के लिए मैं भी तरसता हूँ। इसलिए श्री लघु भागवत अमृत ग्रंथ में
श्री रूप गोस्वामी ने अद्भुत रूप में ये ग्रंथ को हो सके तो आप लोग पढ़िएगा। मैं तो कोशिश किया थोड़ी थोड़ी से आपको केवल इंगित देने के लिए, लेकिन इन्हीं ग्रंथ में उन्होंने ठोस रूप में बताए। अगर कोई हमारी आराध्य है, कौन आराध्य हमारी है, श्री ब्रज श्री कृष्णचंद्र ही आराध्य है, लेकिन आराध्य होने पर भी वो आराध्य है ब्रजनंदन, उसमें भी तीन कृष्ण गुरुदेव कहते हैं, एक है सख्य रस का कृष्ण है और एक है श्री बात्सल रस का कृष्ण है और एक है श्री श्रृंगार रस का कृष्ण है। कृष्ण एक होने पर भी रूप गोस्वामी तो उन्होंने उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में 96 तरह का कृष्ण बताया, कितने तरह का 96 तरह का नायिका बात बताया। हम जो चीज सोच भी नहीं सकते हैं रूप गोस्वामी ने जो जो बात बताई हमारी सोच से ऊपर उन्होंने बताया अद्भुत रूप में, उन्होंने जो विभाजन उन्होंने दिया है। इसलिए तीनों कृष्ण में यद्यपि तीन कृष्ण है, एक श्री सखाओं की जसोदा मैया की, एक है ब्रज गोपी, लेकिन ब्रज गोपी में भी हर कृष्ण हमारी कृपा से नहीं है, उसमें भी सक्रिया परज्ञा भावना है, लेकिन सक्रिया कृष्ण हमारी कृपा से नहीं है, लेकिन हमारे कृपा से परज्ञा कृष्ण है, लेकिन परज्ञा होने पर भी वो परज्ञा सब कृष्ण हमारी कृपा से नहीं है। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना परज्ञा भाव में कुछ चंद्रावली होते हैं ना, है वहां पर चंद्रावली भी कृष्ण है, लेकिन वो चंद्रावली कृष्ण हमारे उपास से नहीं है। हमारे उपास से कौन है, गोपी भरतो पद कमले दास दासानुदास, गोपियों का जो भरता, अरे गोपियों में कौन सा गोपियां हैं जो कृष्ण की, जो कहते ये राधा रानी की जो सुपथ्य वाली, हम कह रहे थे ना कहते राधा रानी को जो पथ्य में प्रिय कौन सा सखी है, दो तरह का सखी है, प्राण सखी और नित्य सखी, इनका जो कृष्ण है, इनका जो राधा जी की अनुगत। कल एक बात हम बोलने में भूल गया, हम कह रहे थे ना देखो अगर पूछो तो बोले भैया कृष्ण को साथ में क्या संबंध है, बोले भैया हमारे कृष्ण को साथ में कोई मतलब नहीं, हमारी मतलब किसको साथ में है, बोलो किसको साथ में, राधा रानी को साथ में। अगर कोई बोले कृष्ण को साथ में क्या संबंध, चूंकि कृष्ण का ये प्रियतम लगते है ना इसलिए संबंध है, इसका मतलब तुम क्या कृष्ण नहीं चाहते, बोलो कृष्ण को चाहते कि नहीं, इसका मतलब ये होता है कृष्ण नहीं चाहिए केवल राधा रानी चाहिए, बोले ऐसे बात नहीं है, इसका मतलब है कहते श्री इसलिए हमें राधा रानी चाहिए, राधा जी की आनुगत्य में जब हम श्री श्याम सुंदर का सेवा करेंगे, कृष्ण की जो सेवा है ना कहते तभी परिपूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त होगी, नहीं तो कृष्ण सेवा हमें पूर्ण रूप में मिलेगा तो है लेकिन आंशिक रूप में मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा नहीं मिलेगी। इसीलिए हम श्री राधा जी के अनुगत्य में हम जो सेवा प्राप्त करना चाहते राधा जी की अनुगत्य में, इसलिए कहते जब प्रिया का जो कहते प्रिय को जो प्रिया है कहते दो गुणा प्रिया है, दो गुणा प्रिया है हमारी, इसका मतलब है हम कृष्ण को तो प्यार करते हैं लेकिन ज्यादा है, यद्यपि राधा जी की अनुगत्य में ही पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा को प्राप्त होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने अपना ग्रंथ में लघु भागवतामृत ग्रंथ में जो संबंध तत्व को ठोस करके बताए, अब जो अभिधेय तत्व होता है साधन है उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने अपना अभिधेय साधन कैसे करनी चाहिए उसको बताया, और जो प्रयोजन ग्रंथ है कभी ये उज्ज्वल निर्मण है। धीरे धीरे हम ये कथा को सुनेंगे, और जो कल है कल श्री हमारे गुरु जी की शतवार्षिक उपलक्ष्य में भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, ये सवेरे भी ये 9 बजे से लेकर के एक शिफ्ट चलेगी कितने तक 12 बजे तक, और दूसरा शाम को फिर 4 बजे से लेकर शाम तक कथा चलेगी, हाँ 7 बजे 8 बजे को, और जो परसों है जो परसों है फिर केवल दोपहर तक हम कोशिश करें कथा करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को राखी बांधना पड़ेगा इसलिए आप लोगों को हम छुट्टी दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कितना दिन रुकने के लिए, एक दिन डेढ़ दिन या रुक जाना, ठीक है ना, डेढ़ दिन रुकने के लिए कोशिश करना कल और परसों दोपहर तक, ठीक है। यद्यपि मेरे को पता है आप लोगों का बहुत सारे काम, सबके संसार में काम है, सबके है संसार में काम है, लेकिन अगर ठाकुर जी के लिए गुरु जी के लिए अगर समय दोगे तो कल तो लाभ ही लाभ, दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए कोशिश करना जैसे आप लोग रुक सके, फिर शाम को
फिर विद्वत सभा होगी 4 बजे हमारी कीर्तन, और उसके बाद में 5 बजे आज अच्छे अच्छे वक्ता लोग आएंगे, बढ़िया बढ़िया जो रूप गोस्वामी के अवदान जो वैशिष्ट गोबर में बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाने वाले भक्त लोग आएंगे। आप लोग जरूर शाम को भी सबके से सब आ जाना। अभी सबको भूख लग गई, हमको घर में प्रसाद तैयार है, अभी जाकर प्रसाद पाएंगे। हम अपना भक्त को कहीं विश्राम देता हूँ। तुलसी लिया परिक्रमा लाओ। और